आजकल पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है तो वाकई ऐसा है हाँ, काफी हद तक क्यों ऐसा क्यों हो रहा है अब म्यूचुअल नहीं होती नहीं होती तो पहले क्यों हो जाती थी और अब क्यों नहीं होती क्योंकि पहले वादे बहुत होते हैं और बहुत ज्यादा डिस्कशन हो जाती है शादी से पहले और जो कि मतलब ज़रूरत से ज्यादा हो जाए तो बेहतर नहीं होती तो आप क्या समझते हैं आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल तो अच्छा माशाल्लाह। तो आप क्या कामयाब जिंदगी का एक शादीशुदा कामयाब जिंदगी का क्या रूल नौजवानों को? एक दूसरे को समझना उनकी आदतों को समझना और कंप्रोमाइज सबसे बड़ी चीज़ है हमारे साथ मुफ्ती नईम साहब मौजूद हैं हमारे इस्लाम में तलाक के हवाले से क्या अहकाम है हम इनसे जानते हैं वरहर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि तलाक जो एक फेल है ये इस्लाम में पसंदीदा फेल है या इसको बहुत बुरा समझा गया है, की है। अब हलाल हलाल में सबसे ज्यादा नापसंदीदा जो है अल्लाह को वो तलाक़ तलाक़ आदमी जो निकाह करता है उसका मकसद ये नहीं होता कि वो दौलत को छोड़ दे या उसको निकाल दे बल्कि मकसद ये होता है कि रहना साथ में आपस में मुआरे के अंदर अच्छा मुआरा कायम करना तलाक़ देने की वजह यह है कि जब एक आदमी मजबूर हो जाए कि मियाँ बीवी की बन नहीं रही बहुत से मसाइल की वजह से ये हो सकता है कि दोनों के आपस के कोई मसाइल हों तो फिर शरीय ने एक इजाज़त दी है बतौर इजाज़त हर शरीत ने कहा है कि आप अपनी बीवी को तलाक दे सकते हैं वरना अल्लाह ताला का नापसंदीदा ना जो है वो तलाक अच्छा और तलाक दी किस तरीके से जाती है क्या तरीका कार है हमारे यहाँ कहा जाता है कि जज्बात में आके एक मौके पे अगर तीन दफ़ा लफ्ज तलाक का इस्तेमाल कर लिया जाए तो तलाक हो जाती है तो इस बारे में आप क्या कहेंगे देखिए तलाक जो है कोई भी आदमी देता है वो हंसी खुशी में नहीं देता जैसे कि बादश तो लोग ये कहते हैं कि तलाक अगर गुस्से में दी जाए तो तलाक वाकई नहीं होती तलाक देता ही आदमी गुस्से के अंदर मियाँ बीवी के अच्छे ताल्लुक हों और वो तलाक़ देता है तो हम तो उसको पागल मजनून दीवाना कहें जब मियाँ बीवी के दरमियान गुस्सा होता है तो गुस्से पर काबू रखने को कहा है कि तुम किसी तरह भी गुस्से को काबू करो लेकिन औलत पर ही अल्फाज इस्तेमाल न करो तलाक़ की मिसाल है गोली की गोली जो है जब आप किसी को मारेंगी हंसते हुए मारें मजाक में मारें या गुस्से में मारें किसी भी सूरत में मारें वो गोली अपना असर दिखाएगी तो हजू सल ने फरमाया कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हकीकत भी हकीकत है और मजाक भी हकीकत है वो वो तलाक है कि तलाक़ को अगर मजाक में भी दी तो तलाक वाकई हो जाती है जैसे कि बज फिल्मों में मजाक के अंदर जो है वो अपनी बीवी को तलाक़ दे देते हैं तो वो तलाक वाक हो जाती है वो उसकी बीवी नहीं रहती इसलिए अगर कोई आदमी अपनी बीवी के साथ तलाक़ का मजाक करे तो यकीनन वो तलाक़ वाकई हो जाती बाकी तलाक जो है मशनूम तरीका सही तरीक़ा ये तलाक देने का अपनी बीवी को एक तलाक दें एक तलाक़ देकर उस बीवी को छोड़ दें वो खुद ब खुद तीन महीने तीन माहवारी के बाद जो है वह बीवी ख़ुद ब खुद उसके निकाह से निकल जाएगी ये सबसे अच्छा इसको तलाक आसन कहते हैं ये अच्छा तरीका है उसमें दोनों को सोचने का भी मौका मिलता है और उसके बाद अगर तीन महीने बाद अगर दोनों मियाँ बीवी रहना चाहें तो उसमें ज़रूरी नहीं है कोई हलाला करने की बल्कि दोनों किसी मौली साहब के पास चले जाएं निकाह पढ़ाने दो गवाहों की मौजूदगी में दोबारा मियाँ बीवी बन के रह सकते यानी लफ्ज तलाक एक दफा अगर इस्तेमाल किया जाए जी अच्छा मुझे एक मरतबा इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाए अगर आपस में बनती है तीन महीने में तो वो दोबारा रह सकते हैं और अगर तीन महीने गुजर गए और नहीं बनी तो फिर वो उसके निकाह से निकल जाएगी लेकिन जब भी कभी उन दोनों का दिल चाहे तो दो गवाहों की मौजूदगी में किसी मौली साहब के साहब ने जाके निका कर ले तो दोबारा वो बीवी उसके लिए हलाल हो जाए अच्छा अगर किसी जोड़े ने दोबारा रुजू कर लिया है और उसके बाद दोबारा काफ़ी सालों बाद ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों के बीच में फिर दोबारा इसी तरह एक दफ़ा तलाक हो जाती है तो ये दूसरी तलाक समझी जाएगी या ये पहली ही हो शरीयत ने तीन मरतबा तलाक का इख्तियार दिया है जब एक ने एक मरतबा दे दी और उसके बाद रुजू कर लिया अब सारी जिंदगी दो का इख्तियार हो फिर अगर दूसरी दे दी तो फिर सारी जिंदगी एक का इख्तियार हो और अगर तीसरी दे दी तो उसके बाद उसके इख्तियार खत्म हो जाएंगे अच्छा मुझे वो कंडीशन बताएं जिस जिसपे तलाक़ देना ज़रूरी हो जाता है यानी अगर किसी शख्स को आप मशवरा दें और हमारे यहाँ वालदे भी कहते हैं लड़कियों को खसूस कि जैसे भी हालात हो कुछ भी हो बर्दाश्त करो और निभाओ तो ऐसे कौन से हालात तो होते हैं कि जिसमें अलहदगी कर लेनी चाहिए लड़की की तरफ से भी और लड़के को भी देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब अल्लाह ताला को ये नापसंदीदा अमल है आखिर तक ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह तलाक वाक़ ना हो इसलिए कि तलाक के वाक़ होने से औलाद पर बड़ा असर पड़ता है मिसाल के तौर तो पर औरत की भी शादी हो जाती है मर्द की भी शादी हो जाती है दूसरी जगह लेकिन औलाद बर्बाद हो जाती है इसलिए बेहतर तरीक़ा तो ये कि उनके साथ किसी न किसी अंदाज़ में बैठ के सुलह कर ली जाए अल्लाह कुरान पाक में भी कहा वुलभ खैर कि सुलह के अंदर बेहतरी बाकी अगर ऐसी सूरत है कि दोनों के बिल्कुल मिजाज नहीं मिलते या मर्द बीवी को बहुत मारता है या औरत जो है ब, 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 बहुत ज़्यादा बदजबान है और कोई सूरत नज़र नहीं आती इन दोनों की बनने की तो क़ुरान पाक ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इन सा गुम में मारूफी और तो या तो तुम अच्छे तरीके से बीवी को रोक लो या अच्छे तरीके से छोड़ दो यानी अच्छे तरीके से छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसके साथ जुल्म और ज़्यादा करके छोड़ें बल्कि एहसान तरीक़े से दोनों कहें कि भाई हमारी नहीं मरती लिहाजा मैं आपको एक तलाक़ देता हूँ उसके बाद आप भी सोच लें और अगर मिसाल के तौर पर मर्द नहीं देना चाहता तलाक़ तो अल्लाह ने औरत को भी इख्तियार दिया है बवजह मजबूरी कि वो मर्द से खुला का मुतालबा कर सकती है और खुला उससे कहते हैं कि औरत मद से तलाक़ का मुतालबा करे और जब मत देना नहीं चाहता औरत उससे मुतालबा करे तो उसका नाम खुला है और अगर मद खुद दे उसका नाम तलाक़ अच्छा खुला के चक्कर में यह होता है कि औरतें जो हैं वो कोर्ट के चक्कर लगा रही होती हैं और मर्द जो होता है वो ये चाह रहा होता है कि अच्छा मैं इसे तलाक़ ना दूं क्योंकि फिर मुझे ख़र्चे भी उठाने पड़ेंगे और दुनिया जहान के और मसाइल मेरे ऊपर आ जाएंगे तो मैं इसे तलाक़ नहीं देता ये मेरे निका ही रहेगी और दूसरी शादी भी नहीं कर सकेगी तो इस हवाले से मर्दों के लिए क्या हुक्म है देखिए मर्दों के लिए मसला है कि अगर मियाँ बीवी की नहीं बनती तो किसी भी हालत में मर्द के लिए ये इजाज़त नहीं है कि वो औरत को मोल करें और ये सजा दे कि ये दूसरी जगह ना कर सके ये गुनाह आजीम है अजीम है मर्द के ऊपर कि वो औरत को रखे उसको चाहिए कि तलाक दे दे। दूसरी बात ये है कि कोर्ट के अंदर जाना ये तो बेहयाई बेशर्म की शर्मी की बात है कि भाई अगर आपकी और मियाँ बीवी की भी बनती आप अपने ख़ानदान के तदाफ को बैठ कर जिस तरह निकाह हुआ है उसी तरह तलाक में ये कौन सा तरीका है कि कोर्टों में अपनी बीवी को ले जाना अदालतों में ले जाना खुला लेना ठीक है मुफ्ती साहब आखिर में मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि तलाक का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है रेशो बढ़ता जा रहा है तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजूहत है और क्या वाकई ऐसा हो रहा है नहीं देखे ये बात कहना कि पाकिस्तान के अंदर तलाक का यानी इशू बढ़ रहा है ये नहीं सबसे ज्यादा तलाक का इशू अगर देखा जाए तो वो मग़रबी ममालिक में मगरबी ममालिकंदर औरत को इतनी आज़ादी है कि वो जब चाहे अपने मर्द को छोड़ कर चली जाए वहाँ औरत को भी तलाक़ का इख्तियार तो वहाँ मगरबी ममालिक में तो तलाक़ को एक मजाक बनाया हुआ है इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान के अंदर तलाक़ का रेशो ज़्यादा है ये बिल्कुल गलत बात है पाकिस्तान में अलहदुल्ला ज़्यादातर क्या निन्यानवे फ़ीसद लोग अपनी बीवियों को रखते हैं हर हालत में रखते हैं लेकिन पहले के मुकाबले में कुछ बढ़ रहा है वो उसकी वजह यह कि मगरब के असरा जो है वो हमारे मुल्कों में आ रहे हैं अच्छा लोगों का एक परसन है औरतों का कि जो निका नामा होता है उसके ऊपर एक होता है कॉलम के औरत को भी इख्तियार हैलीदगी का तो क्या वाकई ऐसा होता है निका नामे समझा दूँ निका नामे में लिखा हुआ है कि तफवीज तलाक औरत को तलाक लेने का इख्तियार है वो इख्तियार को निका नामे के अंदर जो लिखा हुआ है वो महदूद वक्त का होता है ये नहीं होता कि सारी ज़िंदगी औरत जब चाहे मर्द को तलाक़ दे वो तफीज तलाक इख्तियार होता है कि दो दिन चार दिन चंद घंटे चंद महीने उस वक्त तक का इख्तियार होता है वरना ये इसकी मिसाल ऐसी है कि आप किसी को पावर बना कर दें कि ज़मीन आप मुंतकिल कर सकते हैं लेकिन जो मालिक है वो दोबारा पावर ले भी सकता है तो जिसने तफवीज तलाक इख्तियार दिया औरत को वापस भी ले सकता है वो चाहे एक घंटे बाद भी वापस ले ले या चार घंटे बाद ले या चार दिन बाद ले तफीज तलाक का ये मतलब बिल्कुल नहीं लिया जाए कि सारी जिंदगी औरत जब चाहे मत कुछ हो अच्छा ये तो ये वो मैद जो है वो शौहर ही तय करता है नामे के जी मै तय करता है कि जी मैं आपको एक महीना दो महीने तक का तफीज़ तलाक का इख्तियार देता हूँ ये चंद वक्त का फला दिन का और वो भी उसको इख्तियार है कि जो वादा किया है उसमें भी वो बदली करके अपने वापस ले सकता है ये उसका इख्तियार है ये तलाक़ का अख्तियार अल्लाह ताली ने सिर्फ़ और सिर्फ मर्द को दिया है औरत के हाथ में नहीं दिया अख्तियार और यही वजह है कि औरत के अगर हाथ में इख्तियार दिया जाता तो आप देख लें मगरबी अंदर नस्ल जो तबाह हो रही है उसकी बुनियादी वजह यह है कि औरत ये समझती है मैं जो चाहूँ करूँ तो औरत के अंदर सबर का मददा मर्ज के मुकाबले में कम होता है लिहाजा इस वजह से औदत को अगर अख्तियार दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ मेरे घर में और हर घर के अंदर पता नहीं कितनी तरह के रोजाना पढ़ना शुरू हुई। हमारा ये प्रोग्राम देखा आपने देखा कि सेपरेशन यानी अलीहदगी के बाद लोगों को कितने मसाइल दरपेश होते हैं और ना सिर्फ उन लोगों को जो अलहदगी इख्तियार करते हैं उनको मसायल दरपेश होते हैं बल्कि माशरे में और जो है जरा वो जन्म लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और सबसे ज्यादा जो इससे मुतासर होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि तलाक और सेप्रेशन तो हो जाती है लेकिन उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं कि ये बच्चे हमारे पास रहेंगे और ये बच्चे तुम्हारे पास रहेंगे तो ये झगड़े में सबसे ज्यादा जो है कार जो हो रहे होते हैं वो बच्चे हो रहे होते हैं कोर्ट में आना जो होता है वो बहुत बुरा लगता है उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है लेकिन इस बारे में जो है वो लोग नहीं सोचते और इतना बड़ा फैसला कर लेते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में तलाक का रेशो इतना नहीं है जितना कि मगरबी ममालिक में बा मग़रबी ममालिक में ये रेशो जो है वो पैंतालीस परसेंट भी है यानी कि सौ लोगों में से सौ शादी शुदा जोड़ों में से पैंतालीस ऐसे होते हैं जो कि तलाक़ याफ्त होते हैं पाकिस्तान में ऐसा नहीं है और हमारा भी मकसद यहाँ पे इस मौजू पर बात करने का ये नहीं है कि जो इख्तियार आपको कानून ने दिया

म की आवाज की टीम और महविश से देखो दीजिए इजाजत आवाज उठाइए इनकलाब लाइए